कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य छात्र छात्राएं नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पर सांकेतिक रूप से धरने पर बैठ गए और कुछ देर के बाद तहसीलदार रामचंद्र गुजर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राजस्थान में बढ़ते महिला अपराधों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। ज्ञापन सौंपते वक्त एबीवीपी के जिला संयोजक राहुल सामरिया ने बताया कि प्रदेश की सरकार नींद में है, जबकि राजस्थान महिला अपराधों के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि चूरू, धौलपुर, जयपुर, बारां, बांसवाड़ा, अलवर आदि जिलों में महिलाएं व बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो इन पर अंकुश लगाए। ज्ञापन सौंपते वक्त अर्पित सेन, बजरंग दल के जिला संयोजक मोहित बोचवाल, भाजपा डीएनटी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रतनलाल नायक, युवा मोर्चा अध्यक्ष नरेंद्र गुजर, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गंगाधर लाखन, धीरज बोचवाल, अमन सोनी, बालाराम मेघवाल, हेमंत पांडे, श्रीराम ठोलिया, ललित पारी, पूजा सैनी, मुनि कंवर, अंकिता बगड़ा, सलोनी शर्मा, मुस्कान धर्मवीर, विकास सांखला, रामरतन मेघवाल, लिछमणा राम, सुंदर राम आदि लोग मौजूद रहे। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना। आज SDM ऑफिस में एबीवीपी के सारे कार्यकर्ता ने जो बलात्कार मामले बढ़ रहे हैं उससे सारी लड़कियों के मन में खौफ है और वो रात में निकलती है, अपनी परछाई से भी डर जाती है, तो उसको लेके आज SDM ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया है कि बलात्कारियों को जल्दी से जल्दी सजा हो और ऐसा कानून बने कि लड़कियां स्वतंत्रता से सुरक्षित होकर घूम सके और लड़कियों को एकदम सुरक्षित महसूस हो। जो बानीसरिया गांव में बलात्कार हुआ है उसके उपलक्ष्य में आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान बलात्कार के मामले में देश में एक नंबर पर आ गया है। इस जादूगर की सरकार में प्रदेश में नासूर पैदा कर दी है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय का स्लोगन उल्टा पड़ता दिख रहा है और हमने आज तहसीलदार महोदय से ये मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए, फास्ट कोर्ट, सभी मामलों को फास्ट कोर्ट में चलाया जाए, हम अपराधियों को फांसी हो। विद्यार्थी परिषद सुजानगढ़ द्वारा आज अपहरण और बालिकाओं के साथ जो लगातार अखबारों के अंदर सुर्खियां बनी हुई है बलात्कार जैसी घटनाओं के तहत, आज विद्यार्थी परिषद ने एकत्र होकर प्रशासन और मुख्यमंत्री सरकार को चेताया है कि आप संज्ञान लें और कठोर से कठोर कार्यवाही करें। गहलोत सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, जो बिल्कुल किसी भी प्रकार से राजस्थान में जो वो हो रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। सुजानगढ़ में निकटतम गांव भानीसरिया में अभी फिलहाल एक बलात्कार देखने को आया है कि भाई होटल में जो बलात्कार हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को फास्ट कोर्ट ट्रैक के तहत उनको फांसी की सजा हो, ताकि सभी राजस्थान में सभी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, तब जाकर कोई संज्ञान में आएगा मामला। और मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विद्यार्थी परिषद संपूर्ण कार्यकर्ता आज सुजानगढ़ में ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को जगाने की चेष्टा की है कि आप समय रहते जाग जाएं, अन्यथा जैसे बलात्कार बढ़ रहे हैं वैसे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर और उनको फास्ट कोर्ट के तहत सजा दें। ओके रे जी, ओके रे जी।